So the same we are having. Okay. So yesterday also we are having the same question. Question number 9. Okay. Cost price of 12 candles Okay. Is that clear? ये समझ में आ रहा है? Clear दिख रहा है सभी को? Visibility सही है? So cost price of 12 candles equal to selling price of 15 candles. So now we have to start. So again, we can start with cost price. From cost price, we start with something. We can start from here also. Let's start with that is cost price only. So CP of one candle is equals to 1 rupees. The CP of 12 candles. That is equals to 12 rupees. So SP of 15 candles is equals to 12 rupees plus this. So मतलब ये कोशिश करिए हमने क्या किया that is cost price of one candle that is equals to 1 rupees. So now the cost price of 12 candles that is equals to cost price जो है वो ज़्यादा है इसका मतलब क्या होगा loss है loss is equals to how much 15 minus 12 that is equals to 3 loss percent is equals to loss upon CP into 100% is that clear so that is equals to 3 upon cost price will be of 15 into 100% three times of 15. Okay. Yes, we can. उससे भी कर सकते हैं. So now that is equals to. Any problem to anyone? Good morning, good morning, good morning. Anyone having doubt this week? Is it about it? In this स्टार्ट किया कॉस्ट प्राइस से एक कैंडल का कॉस्ट प्राइस दिया 12 का निकाला क्योंकि हमारे पास 12 बार बात हो रहा है
अभी 12 का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ऑफ 15 टेक टू बराबर इसके मॉनिटर और लेकिन कंपेयर करने के लिए सेम चाहिए सो वी हैव टेकन द सेम नंबर ठीक है सो दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9 नाउ क्वेश्चन नंबर 10 सेम टू सेम है थोड़ा सा डिफरेंस है बस तो लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर Now 12-10 question number 10 by selling 130 cassettes okay so a man gains an amount equals to the selling price of 5 cassettes okay keh raha hai ki agar hum selling karte hain 130 cassettes so then we are going to get the amount that profit that is always equals to the selling price of 5 cassettes so let have selling price one cassette meaning equals to 1 rupees so 5 cassettes that is equals to 5 rupees then we are talking about the 130 cassettes ye diya hua na so humne 1 cassette ko 1 rupees diya 5 cassettes ka 5 rupees now this is your profit अभी हमारा क्या ये गेम है क्योंकि हम इसको लिखा हुआ है कि दैट इज अगर ऑन सेलिंग दैट 130 कैसेट्स अ पर्सन गेन्स एन अमाउंट इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स तो 5 कैसेट्स का प्राइस कितना दैट इज 5 रुपीस यानी दिस इज योर गेम या फॉर गेम नाउ कितने कैसेट हमने सेल किए दैट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 130 कैसेट्स दैट इज इक्वल्स टू 130 रुपीस अब हमें क्या फाइंड आउट करना है दैट इज इफ यू वांट टू फाइंड आउट दैट इज द प्रॉफिट एंड लॉस देन वी हैव टू फाइंड आउट हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा दैट इज सीपी और सीपी ऑफ 130 एसेट्स तो सीपी ऑफ 130 एसेट्स कैसे निकलेगा प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कितना ज्यादा होगा इसके बराबर तो सीपी इक्वल्स टू होता है एसपी माइनस प्रॉफिट 130 minus 5 is equal to 125. Is that video is blurred? Okay. Now. सेकेंड लाइन समझ में नहीं आया माइनस कहाँ किया ये हमने माइनस नहीं किया ये हमने सिर्फ बताया है कि ये हमारा गेन है ये हमने माइनस किया यहाँ पे क्यों माइनस किया कि हमने आपको बताया था एस पी इक्वल्स टू होता है सीपी प्लस प्रॉफिट तो अगर हमने सीपी निकाला है तो प्रॉफिट कितना बन जाएगा तो एस पी माइनस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सीपी ये हमने यहाँ पे यूज किया बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट द सीपी तो सीपी कैसे निकाल सकता है एसपी माइनस प्रॉफिट तो एसपी ऑफ 130 कैसे दैट इज 130 रुपीस प्रॉफिट कितना था दैट इज 5 रुपीस 130 में 5 को माइनस कर लिया दैट विल बी 125 रुपीस नाउ वी कैन कंपेयर प्रॉफिट टू होगा ये यहां पे तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट कितना था 5 रुपीस का हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था दैट इज 125 रुपीस इन 200 तो 5
Is that clear? थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है नेट में, फ्लक्चुएशन हो रहा है तो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो प्लीज ट्राई टू मैनेज कर लीजिएगा। Is that clear? Understand हो सभी को? चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, हमने क्या लिया है, that is the selling price of one cassette, that is one rupees। अभी क्या लिया है, अब selling price of five cassettes की बात भी हुआ होगा, selling price of five cassettes निकाला, अब क्योंकि selling price of five cassettes हमारा gain के बराबर है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि हम selling 120 cassettes, a person gains an amount equals to that is the five cassettes। So amount that is equal to 5% कितना आएगा? 5 rupees only। So this is your gain। Now selling price of 130 cassette, that is equal to 130 rupees। अब हमें क्या निकालना है? Cost price। Cost price को निकालना है selling price minus profit। ठीक है? तो हम क्या करेंगे? 130 में से 5 को minus कर देंगे, that will be your cost price। Formula क्या है? Profit percent का profit upon CP into 100। हमने क्या करेंगे? Profit को ऊपर, CP को नीचे into 100। तो क्या यू गेट 4%। इज दैट क्लियर? लेट्स हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम ऐसे ही है। नाउ दिस टाइम वी आर हैविंग, अब हमारा क्या होगा इस पर लॉस का क्वेश्चन। Now let's have a question of loss. Loss का question में क्या कह रहा है? By selling 45 lemons, a vendor loses a sum equals to the selling price of 3 lemons. So let the selling price of 1 lemon ₹1. So selling price of 3 lemons की भी बात हुई है वहां पे, so that is 3 rupees। अब ये क्या है हमारा, this is your loss, ये हमारा loss is what, so selling price of 45 lemons, that is 45 rupees। अब हमें क्या करना है, cost price of 45 lemons निकालना है, तो कितना हो जाएगा, that is selling price plus loss, जो loss होता है हमारा selling price को लेकर क्या पड़ेगा, loss adds करना पड़ेगा, so that we are going to get cost price, so that is 45 plus 3, that is equals to 48, अभी तो question number 11 start किया है, समझा रहे? लॉस परसेंट ठीक है। अब हम एक बार समझाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। अंकिता प्लीज कम आउट फ्रॉम देयर। यस अगेन वी आर हैविंग द सेम क्वेश्चन, प्लीज तिवारी थोड़ा सा अपना माइंड यूज करिएगा। कह रहा है कि अगर एक दुकानदार जो है 45 लेमन को सेल करना, ऐसा सेल करते समय उसे क्या लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, दैट इज द एसपी ऑफ 3 lemon, 3 lemon की SP के बराबर उसे क्या हो रहा है, loss हो रहा है। We don't know the cost price, हमें cost price पता नहीं, ना selling price of 45 lemon हमें पता है, clear?
दुकान वाले ने 45 लेमन जो पहले खरीदे थे उसको उसको बेचा, तो 45 लेमन को बेचने में उसे नुकसान हो गया। कितना नुकसान हुआ? रेडी इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन्स। हमने क्या किया, लेट अस्यूम कर लिया कि सेलिंग प्राइस 1 लेमन का कितना है, 1 लेमन का सेलिंग प्राइस अगर हमारा जो है कितना 1 रुपीस है, तो 3 लेमन के बराबर हमें क्या नुकसान हुआ है, तो हमारा लॉस कितना है, हमारा लॉस इक्वल टू ठीक है रेडी इक्वल 3 लेमन्स दैट इज 3 रुपीस। अब हमने कितनी अर्ली लॉस में सम हुआ है, वैल्यू वी आर गोइंग टू सेल दैट इज 45 लेमन, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 45 लेमन दैट इज 45 रुपीस। कॉस्ट प्राइस निकालने का फार्मूला क्या है, ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस में लॉस को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस। सो दैट इज इक्वल्स टू क्लोज है, अगर आपको याद ना हो तो ये भी फार्मूला होता है, SP इज इक्वल्स टू CP माइनस ठीक है, तो अगर हम इससे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। नाउ CP ऑफ 45 लेमन्स SP प्लस लॉस यानी 45 प्लस 3 यानी 48, क्यों हम निकाल रहे हैं CP, क्योंकि विदाउट परसेंटेज जो सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया लॉस परसेंट, एंड लॉस इज ऑलरेडी नोन टू अस, बट वी कांट फाइंड द लॉस परसेंट अनलेस वी आर गोइंग टू नो द कॉस्ट प्राइस। सो This is the most important that we have to first find out the cost price. ठीक है, इसी हमने से ये पूरा फेस इसके लिए करना पड़ता है, that is just only to find out the cost price. Okay, so this is your question. Now the next one, 12. Oranges are bought at 6 for rupees 20 and sold for 4 for rupees 18. ये सब क्वेश्चन ना बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहते हैं, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कूल माइंडेड वे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। So, cost price of 6 oranges. Cost price of 6 oranges is equal to rupees 20. So, cost price of 1 orange, that is 20 upon 6. Now, selling price of, how much we are in selling price of, how many are there? 4. Selling price of 4 oranges, rupees 18. So, 1 orange, 18 upon 4. Okay. अब हमें क्या करना है, दैट इज आवर यहां फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हम गोइंग टू टेक 6 और 4 के एलसीएम, टू टेक एलसीएम ऑफ 6 एंड 2, सो दैट इज इक्वल टू 12, 6 टू द 12, 4 टू द 12, सो 12 के लिए हम क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस। इसको निकालेंगे हम यहां से भी सॉल्व कर सकते थे, पर हम थोड़ा फ्रैक्शन को खत्म कर लेंगे, सो दैट इज इक्वल टू 20 अपॉन 6 इनटू 12, सो दैट इज 22 और 40 रुपीस। दिस इज सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस, 18 अपॉन 4 इनटू 12, 4 3 जा 12, so obviously अब यहाँ से देखने से ही पता चल गया कि we are having the profit,
ठीक है यहाँ से देख लीजिए सी पता चला वी आर हैविंग प्रॉफिट सो प्रॉफिट परसेंटेज दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट प्रॉफिट इज गोइंग टू बी आया 54 माइनस 40 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस यानी 40 इनटू परसेंट सो दैट इज इक्वल टू 40 अपॉन 35%. So your answer will be. देखो अब है आंसर मतलब एलसीएम लेने का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि हम क्या करना चाहते हैं कि इसको फ्रैक्शन को बदल करना अदरवाइज यू कैन कंपेयर हियर वन ऑरेंज में यहाँ पर भी वन ऑरेंज में यहाँ पर भी है आप देख लो दोनों में से विच वन इज ग्रेटर ऑब्वियसली ये अगर ग्रेटर है आप कैसे कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो आप दोनों को कंपेयर करना है 20 अपॉन 6 18 अपॉन 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इतना आएगा 80 हो जाएगा ये कितना आएगा यहाँ पर सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएगी और कुछ होना नहीं आंसर भी है नेक्स्ट सेम वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 13 आल्सो सो लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 13 Question number 13. A vendor purchased bananas at rupees 40 per dozen. Okay. So let's have banana. So 40 per a dozen. So cost price of one dozen means we are talking about how much? So 12 bananas will be cost rupees 40. So one banana cost 40 upon 12. Okay. Now selling price of selling price is equal to sold them 10 for 36. So one banana अब हमें क्या करना है एलसीएम लेना इसका 12 है 10 का तो 12 और 10 का एलसीएम कितना है दैट इज 2 6 जा 12 और 5 और 6 5 जा 30 32 जा 60 तो 60 आ गया So we have to find out cost price of 60 bananas. Selling price of 60 banana. Thank you.
Clear? Now we are having 460, 200 and 260. Obviously our profit will have. So profit 216 minus 200 upon 200 into 200. Minus 716 upon 200 and equals to 8%. Is that clear? So now, same question था पिछले जैसे ही. जिस साइड में होगा फिर से बता दें. चलिए ठीक है. कॉस्ट प्राइस ऑफ वन डजन बनाना, वन डजन में कितने रुपए बनाना मिलती है, तो 12 बनाना हमने 40 रुपीस में जो है खरीदा है इसने वेंडर ने, तो एक बनाना का प्राइस कितना हो गया 40.12. अब उसे क्या किया, 10 बनाना से 36 में बेच दिया. वन बनाना कितने में मिला, लगे 36 अपॉन 10. अभी हमको एक एक बनाना का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पता है, बट हम फ्रैक्शन को खत्म कर देंगे. 10 और 12 का एलसीएम लेके रेड लाएगा 16. 60 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दैट इट सिंपलीफाई जाए. आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 बनाना 200, सेलिंग प्राइस ऑफ 60 बनाना दैट इज 260. अब हमें क्या करना है, इन दोनों का प्रॉफिट परसेंट निकालना है. तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 260 माइनस 200 अपॉन सीपी जो कि 200 होगी. सॉल्व किया आंसर आया. जी नहीं, कृष तिवारी स्कूल अभी जो है अगले साल सितंबर में खुलेगा. स्कूल रीओपन ऑन 21 सितंबर 2021. नोट कर लो सब. ओके, तब तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि सर स्कूल कब ओपन होगा. ठीक है, नेक्स्ट ईयर जरूरत पड़ी तो हम लोग इसको जो है ना 2022 भी करा. ओके, कोई भी क्लास नहीं आएगी अभी, कोई क्लास नहीं आएगी बेटा. दिसंबर के बाद ही जो कुछ होना है, 21 में जो कुछ होना होगा उससे पहले कुछ नहीं होना है. 2020 में कुछ नहीं होने वाला है. आप 2020 में बस ऐसी पढ़ोगे. हाँ, ये ऐसा भी हो सकता है कि 2025 में खुले, कोई बड़ी बात नहीं है. दिस इज आवर फ्यूचर. चलिए बात यही पर खत्म करते हैं. हमने बहुत सारे क्वेश्चन आज सॉल्व किए है ना, 9 कर लिया, 10 कर लिया, 11 कर लिया, 12 कर लिया, 13 कर लिया, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन कर लिए, बहुत ज्यादा कर लिए. ओके, सो टुमारो विल डू द नेक्स्ट वन. चलिए क्वेश्चन और कर लेंगे. ये देखो आकांक्षा पटेल, अभी आ रहे हो आप. चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते नहीं तो आप लोग रोक गए सर, बहुत जल्दी चले गए आज. क्वेश्चन नंबर 14,
A man bought apples at 10 for rupees 75. So, cost price of 10 apples. In my apples are you high? So, one apple. ₹75/10. Selling price of so one apple. Is that clear? Yes, I see you are right. On and against me. I have only one option. If you want to come to school, na, तो सबसे पहले एक तो कोरोना पेशेंट को ढूंढो सब लोग. जब आपको एक कोरोना पेशेंट मिल जाए तो गेट टूगेदर पार्टी रखो, सब लोग उसके साथ जाके हाथ मिलाओ, उससे मिलो, गले मिलो और सब लोग कोरोना पेशेंट हो जाओ. Yes, ठीक हो जाओ. ठीक है ना? फिर उसके बाद जब ठीक हो जाओगे तो सबके सब स्ट्रॉन्ग हो जाओ. देन ऑल आई एम कोरोना पॉजिटिव. वेरी गुड. सो कीप ऑन मीटिंग विद अदर पीपल. नाउ सी हियर. सो व्हाट इज द एलसीएम अगेन? वी आर हैविंग 60 ओनली. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 एप्पल्स. बेटा चुपचाप घर में बैठे हो कि अभी जो है ना कोरोना हो जाएगा ना बोल देगा कि जेब में बंद करने के समझ में आ जाए. क्या लगता है वो बिजी होता है क्या? So now we can see 450 at this one. So cost price is greater, so we are having a loss. So loss is equals to 450 minus 375 on 450 into 100%. So how much will be that is 75 upon 450 into 100. 0, 0 cancel. 5 9 15 3 3 9 3 5 50/3%. वही तो मैं बोल रहा हूँ. अभी जो है ना सब पेशेंट हो जाओगे ना वो एक जेल बना कर रखे वही ले जाके सबको फेंक देते हैं पेड़ के भाव में. पड़े रहते हैं सड़के रहते हैं. आधे पेशेंट तो ऐसे ही मर जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट ही नहीं करते. इज दैट क्लियर? सो सब लोग अपने घर में रहो, बढ़िया सेफ रहो, मास्क लगा के रखो, हर समय सैनिटाइज होते रहो. वो बेटर ऑप्शन है. घर में बैठ के पढ़ लेना ज्यादा बेटर ऑप्शन है रदर देन कि आप वो कचरे के डब्बे में ले जाके फेंक देंगे. कोई किडनी निकाल लेता है, पता नहीं क्या क्या न्यूज में आता रहता है. डॉक्टर्स ने किडनी निकाल ली, ये निकाल ली, ये निकाल ली, वो निकाल लिया. बेटा सब ऐसे चले जाओ, समझे? इसलिए घर में बैठना है, सेफ रहना है. सर पढ़ा रहे ना अंतर उतना काफी है. ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट दिस सिलेबस. सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा, क्लासेस भी कम्प्लीट हो जाएंगी. आप लोग टेंथ ट्वेल्थ पढ़ लोगे, ऐसे ही पढ़ लो. ओके? सो don't worry about the classes. Okay? So now we are going to stop here only. So yeah, we'll stop for the day.